तो जिसको अपने बाल बच्चे नहीं रहते हैं वो खोजते हैं कि किसी का कोई बच्चा अगर ऐसा मिल जाए जिसको हम पालें पोसें अपना बना करके और उसी को अपने बुढ़ापे का सहारा बनावे, उत्तराधिकारी बनावे। उसी तरह के वे भील भीलनी थे, उनको कोई संतान नहीं थी और खोज में थे कि कोई बच्चा मिल जाए तो उसको हम गोद लेकर के अपनी संतान के रूप में उसको वहां या अपने घर में रखें, पालें पोसें। कोई बच्चा मिला, अब बच्चा भी मिला तो ऐसा वैसा नहीं, राजकुमार। बहुत सुंदर कहावत है कि गाय पर पूत, पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। राजकुमार है, बहुत सुंदर सुनो। उन्होंने उस बच्चे को उठाया भील भीलनी ने। बच्चे को भी जरूरत थी कि अपने माता पिता नहीं रहे तो कोई तो मिले हमको सूखा कपड़ा पहनाने वाला, कोई तो मिले हमको कुछ रोटी पानी देने वाला, कोई तो मिले अपनी गोदी में लेकर मुझे प्यार देने वाला, चूमने वाला। भील भीलनी को पा करके उसको कुछ सहारा हुआ उस बच्चे को। अब भील भीलनी अपनी कुटिया में ला करके उसको पालने पोसने लगे। हे राजकुमार, राजा का बेटा, लेकिन अब वो भील कुमार हो गया। जो बच्चे कम उम्र में अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, जो पालने पोसने वाले होते हैं उन्हीं को अपना असली माता पिता समझने लग जाते हैं। कई जगह आपने देखे होंगे, तो है तो राजकुमार लेकिन अपने असली माता पिता राजा रानी को और भूल करके और उसी भील भीलनी को ही अपना माता पिता समझने लगा। कहावत है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी निकसे बानी। ये साधु समाज में बड़ी प्रख्यात कहावत है। घटना को घटे हुए 8 साल बीत गए। अब वो बच्चा कितने साल का हो गया? 15 साल का। 7 साल की उम्र में अपने माता पिता से अलग हुआ था, 8 साल जंगल में बीत गए। अब वो 7 और 8 15 साल का हो गया नौजवान। उसी समय में एक महात्मा उस जंगल से गुजर रहे थे। महात्मा की दृष्टि पड़ी उस बच्चे के ऊपर। महात्मा अच्छे जानकार थे ज्योतिष शास्त्र के। महात्मा ने सोचा कि भाई तो कोई राजकुमार मालूम होता है, उसका ढील ढोल देखने से, आकार प्रकार देखने से लगता है तो कोई राजकुमार मालूम होता है। जैसे राम लक्ष्मण जानकी जंगल में घूमते रहे थे लेकिन लोगों को अंदाज हो जाता था ये तो कोई राजा बाबू है। भील लोग कहते थे कि हम वनवासी कुल भील के बिटुआ रुआ राजा बाबू हुआ। हम तो जंगली भील वनवासी हैं, काले कलूटे और ऐसे वैसे, और आप तो कोई राजा बाबू मालूम होते हैं। ऐसे ही महात्मा की दृष्टि पड़ी और देखते ही समझ गए कि ये तो कोई राजकुमार मालूम होता है। फिर सोचा कि राजकुमार है तो जंगल में क्यों, जंगली वेशभूषा में क्यों, लगता है कोई भाग्य चक्र का फेर पड़ गया है बेचारे को। नजदीक बुलाया, बेटा इधर आना। आ गया, बोलो बाबा। बोले तेरी हथेली देखे, देखो कुछ जानते हो? बहुत कुछ जानता हूं। देखा और बिना उससे पूछे, बिना उसके द्वारा कुछ बताए, केवल रेखा देख करके ही महात्मा समझ गए कि है तो राजा का बेटा लेकिन इसके भाग्य में एक वियोग की रेखा ऐसी पड़ी है जिसके कारण 7 वर्ष की उम्र में ये अपने माता पिता से अलग हो जाएगा। उसी ने इसको अलग कर दिया और श्री राधे इसी से अलग हो गया है। लेकिन एक हर्ष की बात यह है, खुशी की बात यह है कि वो वियोग वाली जो रेखा है बहुत हल्की है, बहुत छोटी सी, बहुत हल्की। और ये मात्र केवल 8 वर्ष अपने माता पिता से अलग रहेगा। उसके बाद जब ये 15 साल का हो जाएगा तो इसके जीवन में एक महात्मा मिलेंगे। वो महात्मा इसके असली राजकुमार वाले परिचय को बताएंगे। अब वहां पर शर्त है, अगर इसने स्वीकार कर लिया अपना राजा वाला संबंध,
अपने असली पिता माता को याद कर लिया और उनसे मिलना चाहे तो वो महात्मा इसको उस राजा से मिला सकते हैं और अपने खोए हुए माता पिता को प्राप्त कर सकता है, अपना खोया हुआ उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है, अपनी राजधानी को प्राप्त कर सकता है। ये सारी बात महात्मा बिना पूछे बताए केवल रेखा देख के समझ गए। ऐसा ऐसा लेख इसके भाग्य में लिखा। इसके बाद अब इसे पूछने लग गए, बेटा तेरा परिचय क्या है, तू कौन है? तो चूंकि असली परिचय तो भूल गया था इसलिए अब अपने को अब वाला परिचय बता रहे। बाबा मैं फलाने भील का बेटा हूं, फलाना मेरा नाम है। महात्मा हंस गए, नहीं बेटा तू तो राजकुमार है रे, तू भील कुमार नहीं है, तू राजकुमार है। बोला रे बाबा मैं राजकुमार होता तो यहां जंगल में गरीबी में क्यों गुजारा करता। महात्मा ने अपने कमंडलू से जल लिया हाथ में, प्रभु से प्रार्थना करी, नाथ इस जीव को जो अज्ञान में पड़ा हुआ है अपने असली स्वरूप को भूल करके और ये नकली परिचय का आश्रय ले बैठा है, इसको इसके पूर्व स्वरूप का ज्ञान दो। प्रभु से प्रार्थना करके और उस जल का छींटा उसके ऊपर दिया। सो जैसे ये घर अंधेरा है और किसी ने अचानक बत्ती जोर दी, सब कुछ दिखाई पड़ने लग गया, ऐसे ही उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ और उसको अपने पूर्व स्वरूप का, और ये कितने सुंदर मेरे माता पिता थे, राजा रानी कितना मुझे प्यार देते थे, कैसा आलीशान मेरा महल था, कितने नौकर चाकर हमारी सेवा में रहते थे, सब बात उसको एकदम ध्यान में आ गई। और मैंने जिद करके पिताजी से और उनके साथ घोड़े पर चढ़ करके जंगल में आया, मोरों का नाच देखकर ताली बजाने लगा, घोड़ा विदक करके भागा और मैं नीचे गिर पड़ा, तब से मेरा यह हाल है। जब याद आ गई तो रोने लगा। महात्मा ने उसके आंसू पोंछे और बोले कि बेटा आप घबरा मत, अपना सही संबंध स्वीकार कर लिया ना। कहा जी बाबा एकदम याद आ गया, मेरा राजमहल और मेरे माता पिता कितना प्यार देते थे और कैसे कैसे सब घटना घटी सब मुझे याद आ गया। अब क्या विचार है? कहा कि मुझे मेरे माता पिता कैसे मिलेंगे, मुझे मेरा राजमहल कैसे मिलेगा? महात्मा बोले कि उसके लिए युक्ति करनी पड़ेगी, मैं तुमको एक मंत्र देता हूं उसका जप करो। तो उसको मंत्र दे दिया, गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहेब रघुराजू। प्रभु तो गई हुई को ही बहोरने वाले, बहोरने वाले वाले मने वापस दिलाने वाले हैं, गरीब को निभाने वाले हैं और सरल हैं, सबल हैं, साहेब हैं, रघुराज सबके स्वामी हैं। ये इस चौपाई का भाव है, चौपाई मंत्र के रूप में बता दिया, वो जब करने लगा। इसके बाद बोले कि अब तो तेरे माता पिता कहला रहे हैं, इनके पास ले चल मुझको, ले गया भील भिजनी के पास। वो भी बहुत खुश हुए, महात्मा जी ने उनकी भी रेखा देख देख करके बताई तो भील भिजनी भी बहुत खुश हुए, बाबा आपकी तो एक एक बात अक्षर अक्षर सत्य निकलती है, अच्छे जानकार हो ज्योतिष के। कहा कि बेटा ये तो ज्योतिष विद्या ऐसी है, गुरु जी की कृपा है, सब बात बता रहा हूं। ठीक, मेरे बेटे को भी देखो, उसकी भी रेखा देखो और उसको भी उसके लिए बताओ क्या है इसके भाग्य में। महात्मा बोले कि तुम्हारे बेटे की रेखा तो मैं पहले देख चुका हूं, इसके भाग्य में राजा होना लिखा है। अरे बोला अरे बाबा क्या बात करते हो, हम जंगल के रहने वाले गरीब भील भीलनी, हमारा बेटा राजा कैसे हो जाएगा? महात्मा बोले कि राजा पने का संस्कार है इसमें, राजा पने का संस्कार इसमें है, थोड़ी युक्ति करनी पड़ेगी, थोड़ा जतन करना पड़ेगा। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा? बेटा राजा हो जाए इसके लिए माता पिता क्यों नहीं करेंगे युक्ति? बोले तुम्हारे बेटे को तो बता चुका हूं, ये करना शुरू कर दिया है और अब तुमको और बता रहा हूं, तुम दोनों भी करना शुरू कर दो तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, बताओ
इनको बता दिया जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुक्ति धन धर्म धाम के, ये बता दिया। अभी विल विल जब करने लगे, इसके बाद महात्मा जी वहां से चलकर सीधे राजा के यहां पहुंचे। राजा जी की भी रेखा देखी और बताने लग गए। राजा जी को भी विश्वास हो गया, श्री हरे नमः, राजा जी को भी विश्वास हो गया कि अरे तो महात्मा बड़े पक्के हैं, सब अच्छे जानकार हैं, एक एक बात इनकी सत सत निकल रही है, तब इनसे और पूछना चाहिए। राजा जी पूछ बैठे, महाराज आपकी तो एक एक बात अक्षर अक्षर सत निकल रही है, अब कृपा करके बताइए कि मेरे भाग्य में और दूसरा कोई पुत्र लिखा है कि नहीं। बोले दूसरा पुत्र क्यों खोज कर रहे? कहा कि किसको अपना उत्तराधिकार समझूंगा, सौंपूंगा इसके लिए। तो कहा कि देखो राजन, दूसरे पुत्र के लिए चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पुत्र इतना प्रतापी होगा कि तुम्हारा नाम ऊंचा करेगा। महात्मा बोले, राजा बोले कि महाराज ऐसा ही था, सचमुच में ऐसा ही था, बड़ा होनहार, बड़ा तेज, बड़ा संस्कारी, उत्तम, लेकिन अब रहा नहीं। महात्मा हंस गए और बोले, रहा नहीं का मतलब इतना ही समझोगी मेरे पास नहीं रहा, ये मत समझोगी दुनिया में नहीं रहा। रेखा बता रही है ये पुत्र भी मरने वाला नहीं है, जहां होगा जिंदा होगा। राजा खूब खुश हुए, महाराज मेरा बेटा जिंदा होगा। तब महात्मा ने खुल करके बताया कि जिंदा होगा नहीं, जिंदा है और मैं देख करके आ रहा हूं, मैं उससे बातचीत करके आ रहा हूं, वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। अच्छा कहां देखे थे महाराज? बोले फलाने जंगल में। हाँ हाँ महाराज, उसी जंगल में मेरा बेटा मुझसे अलग हुआ था, अब ले चलो मुझे दिखाओ। बोले क्या करोगे देख करके? बोले उसे ले आएंगे। कहा कि ऐसे नहीं ला सकोगे, क्योंकि भील भीलनी ने उसे अपना बेटा बना लिया है, लाने नहीं देंगे। कहा कि ऐसे नहीं लाने देंगे, तो कहीं फौज पलटन लेकर चले। कहा कि तुम्हारी फौज पलटन से ज्यादा तगड़ी उनकी पलटन बैठेगी, जब एक साथ सैकड़ों भील जुट जाएंगे धनुष बाण लेकर के, तो तुम्हारे सिपाहियों का निशाना चूक सकता है, लेकिन उन भीलों का निशाना चूकने वाला नहीं है, टिकेगी नहीं तुम्हारी सेना उन भीलों के आगे। तो महाराज क्या करें, बेटे से हाथ धो लें, संतोष कर लें? नहीं नहीं बेटा, मिलेगा तुमको, हम मिलाएंगे, लेकिन जोर जुलूम से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। बोले बताओ महाराज क्या करना होगा? महात्मा बोले कि पहले जंगल में आपको ले चलूंगा और अकेले में उस बच्चे से आपको मिला दूंगा, आप पहचानना कि वही है कि दूसरा है, वो भी आपको पहचानेगा कि हाँ यही मेरे पिताजी हैं। उसके बाद फिर आपको उस भील भीलनी के पास ले चलूंगा और भील भीलनी को समझाऊंगा कि देखो जी, ये इस देश के राजा जी हैं, इनके पास एक बच्चा था, लेकिन अब वो बच्चा इनके पास नहीं रहा, तो जब अपना बच्चा नहीं रहा तो किसी के बच्चे की खोज में थे कि कोई सुयोग्य बालक मिल जाए तो उसको गोद लेकर दत्तक पुत्र के रूप में और अपना उत्तराधिकार सौंपे। बच्चे तो बहुत दिखाई पड़े, लेकिन तुम्हारा बच्चा इनको पसंद आ गया है। अब यहां पर जुक्ति करिए, तुम्हारा बच्चा इनको पसंद आ गया है, इसलिए जैसे कन्या का पिता अपनी कन्या का हाथ किसी बड़के हाथ में सौंप देता है और वो हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। श्री हरे नमः, हरे नमः। राजा जी को समझा रहे हैं महात्मा जी कि मैं उस भील भीलनी को समझाऊंगा कि ये इस देश के राजा जी हैं, इन्हें पहले एक बच्चा था, अब बच्चा जब इनका अपने पास नहीं रहा तो किसी बच्चे की खोज में थे, बच्चे बहुत दिखाई पड़े, लेकिन तुम्हारा बच्चा इनको पसंद आ गया है, जैसे किसी कन्या का पिता वर के हाथ में सौंप देता है और हमेशा के लिए उसकी हो जाती है, ऐसे ही तुम अपने बेटे का हाथ राजा के हाथ में सौंप दो,
तो राजा जी इसको राजकुमार के रूप में स्वीकार करके इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और राजगद्दी सौंप देंगे, तुम्हारा बेटा राजा हो जाएगा। तो राजा जी ने पूछा कि क्यों महाराज, ऐसा कहने से वो देना स्वीकार करेगा, राजी हो जाएगा देने को? तो महात्मा जी बोले कि हो सकता है ये कहे कि महाराज मेरे पास भी तो यही एक बच्चा है, राजा जी को दे दूंगा तो बेटा तो राजा हो जाएगा, लेकिन हम तो बिना बच्चे के हो जाएंगे, हमारा घर तो सुना हो जाएगा। ऐसा जब कहेगा तो उसको कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, देखो जी जब तुम्हारा बेटा राजा हो जाएगा तो तुमको जंगल में नहीं छोड़ेगा, तुम भी वहीं चलोगे, तुम राजमाता और राजपिता कहलाओगे, राजमहल में तुमको निवास मिलेगा, वहां तुमको पलंग गद्दा तकिया नौकर चाकर खान पान सब राजा के समान हो जाएगा। ओहो ऐसी बात है तो बुलाइए राजा को, हम अभी सौंपते हैं, तब राजी हो जाएगा। ऐसे राजा को समझा करके जंगल में ले आए महात्मा जी, दोनों राजा और राजकुमार को, बाप बेटे को आमने सामने खड़ा कर दिया। ओ खूब रोए दोनों, अरे मेरे पिताजी आपके बिना देखो मेरा क्या हाल है। अब बाबूजी रो रहे, अरे बेटा तेरे बिना हमारा घर अंधेरा हो रहा, जीवन सुना सुना सा लग रहा है, चल चल चल। खूब रोए दोनों एक दूसरे के गले मिल करके, महात्मा जी ने दोनों के आंसू पोंछे, बोले कि अब रो आ रहा है बंद करो, अब चलो भील भीलनी के पास। भील भीलनी के पास ले गए और भील भीलनी को समझाया, देखो जी ये इस देश के राजा जी हैं, इनके पास एक बच्चा था, बच्चा अपना नहीं रहा पास में, तो किसी के सुयोग्य बालक की खोज में थे, तुम्हारा बच्चा इनको पसंद आ गया है, अपने बेटे का हाथ सौंप दो इनके हाथ में, तुम्हारा बेटा राजा हो जाएगा। तो भील बोला कि बाबा ये तो बड़ी खुशी की बात है, बेटा राजा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास घर में भी तो यही एक बच्चा है, राजा को दे देंगे तो हमारा तो घर सुना हो जाएगा। महात्मा ने समझाया, नहीं जब तुम्हारा बच्चा राजा हो जाएगा तो तुमको जंगल में छोड़ेगा थोड़े, तुमको भी वहीं ले चलेगा, तुम राजमहल में चलोगे, तुम राजमाता राजपिता कहलाओगे, राजा के समान तुम्हारा घर मकान खान पान पलंग गद्दा तकिया नौकर चाकर सब राजा के समान होगा। बहुत खुश हुआ महाराज, ऐसी बात है तो बुलाओ राजा जी को। राजा जी से महात्मा जी बोले, आइए साहब आगे। कहा कि लो बेटे का हाथ दे इनके हाथ में, तो उस बच्चे का हाथ लेकर के राजा के हाथ में सौंप दिया, समझा समझो करके, और उसको लेकर के आए। बेटे को माता पिता मिल गए और माता पिता को पुत्र मिल गया, और जिन सेवा के बदले में उनको राजमाता की राजपिता की पदवी मिल गई, राजमहल मिल गया। श्री हरे नमः, ये दृष्टांत। तो ये दोनों सब एक दूसरे को प्राप्त करके प्रसन्न हो गए, तो ये बात अच्छी हुई ना, सबका अभाव दूर हो गया। ये दृष्टांत है, दृष्टांत क्या है उसको वही समझना है असली में। वो राजा कौन है? भगवान। राजा कौन है? भगवान। और उनका प्यारा राजकुमार कौन है? हम जितने जीवात्मा हैं सब उनके प्यारे राजकुमार हैं। वो जंगल कौन है जिसमें हम एक दूसरे से अलग हो गए? उसका नाम है संसार, उसी का नाम है संसार। वो मोर का नाच क्या है जिसके कारण बिछुड़ गए? माया की रंगीनी, जो हम कभी सिनेमा के पर्दे पर और कभी होटल में और कभी कहीं शादी ब्याह अमुक ढमुक में देखते हैं, यही वो मोर का नाच है, माया की रंगीनी है। इसमें हम भूल करके और अपने पिता का कमर छोड़ देते हैं, पिता का सहारा छोड़ देते हैं, खुशी मनाने लग जाते हैं, बस इतने में तो माया पटक देती है घोड़े के नीचे। और वो अंगड़ तूफान क्या है जिसने फिर दोनों को बाप बेटे को मिलने नहीं दिया? काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार इत्यादि, यही वो जोर जोर से जब भीतर उठते हैं ना अंदर की तरह तूफान, ये आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देते हैं, आंख में धूल झोंक देते हैं ये अंदर तूफान। फिर जंगल में भील भीलनी जो अपना लिए, वो भील भीलनी कौन है? इस जन्म में इस शरीर के नाते जो माता पिता कहला रहे हैं, ये जंगल में बीच में संसार में मिलने वाले भील भीलनी की जगह पर माता पिता हैं। ये शरीर के माता पिता कहला सकते हैं, लेकिन आत्मा का माता पिता तो श्लोक पढ़ते हैं ना आप लोग, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, इसका मतलब क्या है? प्रभु तुम ही मेरी माँ हो
और तुम ही मेरे पिता हो। तो ये केवल वाणी से कहने की चीज है नहीं, आत्मा इस बात को जिस दिन कबूल कर ले कि हे प्रभु तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता, तुम ही ने मुझको जन्म दिया है, इसके बाद अब कोई समस्या ही नहीं है। प्रभु तो तैयार हैं ऐसे गोदी में लेने के लिए। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत दो हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, आजा बेटा मेरी गोदी में, मामेकम शरणम ब्रजा। जरूरत है परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, उसी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हुई नहीं उस मृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ने आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कोई अनाथ नहीं है कबीरा इस संसार में, सबकी गठरी लाल, सबकी गठरी में हीरे लाल जवाहरात बंधे हुए हैं, लेकिन भीख मांग रहा है क्यों, बोले गांठ खोल पावे नहीं आते बने कंगाल। ये आत्म परमात्म संबंध वाली, स्वरूप संबंध और कर्तव्य वाली बात की जानकारी से अलग है, इसलिए भीख मंगा पना हाय हाय मती। तो राजा कौन है, भगवान। वो जंगल क्या है, संसार। वो मोर का नाच क्या है, माया की रंगीनी। और वो अंदर तूफान क्या है, जिसने मिलने नहीं दिया, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष इत्यादि। और वो भील भीलनी कौन है, संसार में जो माता पिता करा रहे हैं, चाहे जो भी रिश्तेदार अपने अपनापन दिखा रहे हैं, ये सब जंगल में मिलने वाले हैं। और वो महात्मा जी कौन है, जिनने दोनों को परिचय देकर के मिला दिया, उन्हीं का नाम है गुरुदेव। अब ईमानदारी से विचार करके बताइए कि क्या गुरु जी ने अथवा महात्मा जी ने कोई नया रिश्ता दोनों में जोड़ा है, नया रिश्ता नहीं जोड़ा है, पहले का ही नाता है बाप बेटे का। केवल अपनी अज्ञानता के कारण भूल गया था, उस भूले हुए संबंध को केवल यादगारी दिला देते हैं, इसी का नाम है दिव्य ज्ञान। हम लोग जो इतिहास भूगोल गणित हिंदी अंग्रेजी संस्कृत अमुक ढमुक जो पढ़ते हैं, दुनियादारी का, फिजियोलॉजी बायोलॉजी केमिस्ट्री बोटेनी, ये सब भौतिक ज्ञान है। दिव्य ज्ञान जो है वो आत्मा और परमात्मा का, यही दो दिव्य है संसार में, आत्मा और परमात्मा, बाकी सब भौतिक है, स्थूल है, नश्वर है, जड़ है। तो आत्मा और परमात्मा दिव्य है, इन दोनों से संबंधित जो ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान, संबंध ज्ञान और कर्तव्य ज्ञान, इसी की जानकारी दी जाती है, इसी का नाम है अर्थपंचक। और इस दिव्य ज्ञान को देने के कारण ही दिव्य ज्ञान का दान दिया, इसलिए कहा दी, और इसके बाद क्या है, क्षा, क्षा मैंने उसके पापों का क्षय किया। गुरु जी ने पापों का क्षय कैसे होता है उस प्रक्रिया को भी समझ लीजिए। अभी है 10 मिनट का समय, उस प्रक्रिया को भी समझिए, पापों का क्षय कैसे होता है, बुराइयों का क्षय कैसे होता है। वाल्मीकि जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हैं? इनका पहले वाला नाम मालूम है, रत्नाकर। ये थे ऋषि की संतान, लेकिन भीलों ने इनको पा करके अपना बना लिया था, और भीलों के साथ रह करके इनका भीलों जैसा लुटेरे वाला व्यवहार हो गया था, डकैती किया करते थे। तो सप्त ऋषि लोग मिल गए, उनको लूटना चाहते, सप्त ऋषियों ने समझाया किसके लिए लूटमार कर रहे हो, बोले परिवार के लिए। बोले देखो ये लूटमार करने में तुमको पाप लगता है, तो जो लूट के ले जाते हो उसको खाने में तो सब साथ दे रहे हैं घर वाले, लेकिन इसके पाप के बदले में तुम पकड़े जाओगे तो जेल होगा और फांसी होगी और नरक होगा, तो पूछो घर वालों से कि वो लोग साथ देंगे कि नहीं। उसमें जाके पूछा, जब खाते हैं तो सब में साथ देना होगा, जब घर जाके पूछा तो घर वालों ने कहा कि जेल तो तुम ही जाओगे।
नरक में तो तुम्हें जाओगे, हम क्यों जाएंगे? बोले तो खाते क्यों हो? आगे भाई हम तो तुम्हारे आश्रित हैं, तुम्हारा कर्तव्य ला करके देना, हम खाते हैं। हमने कब कहा कि तुम डकैती करके लाओ? तुम खेती करके लाओ, नौकरी करके लाओ, व्यापार करके लाओ, ईमानदारी की कमाई लाओ। हम तो नहीं कह रहे कि तुम डकैती ही करो। उसी से मन को ज्ञान हो गया और आकर के संतों के चरण में, सप्तऋषियों के चरण में रोने लग गए। बाबा हम तो अब तक बड़े धोखे में पड़े, पाप किए हम और भोगते रहे और लोग, आज का दंड भोगना होगा तो कोई साथ देने वाला नहीं है, तो अब इसका सुधार कैसे होगा? बोले बेटा भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने लग गए। भजन करते करते ऐसा भजन किया कि उनके सारे पाप ताप दूर हो गए और वो अब रत्नाकर डाकू नहीं रह गए, उनका नाम हो गया महर्षि वाल्मीकि। इतने पुनीत हो गए कि स्वयं इनको राम जी के यहाँ नहीं जाना पड़ा, राम जी को इनके यहाँ आना पड़ा। और मुनि का राम दंडवत किना, राम जी अब इनको दंडवत कर रहे। तो संस्कार बदल गया कि नहीं? दिव्य ज्ञान का दान सप्तऋषियों ने इनको दिया। अब कर्म पापों का क्षय कैसे हुआ, दोषों का क्षय कैसे हुआ, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ने 50 बीघा की खेती की, हर बीघा में 10 मन का गल्ला पैदा हुआ, तो 50 बीघा में कितना हो गया? 500 मन का गल्ला। साल भर में खा सकता है अकेले? नहीं खा सकता है, तो उसको हिस्सा बांटना पड़ेगा। इतना तो साल भर खाने के लिए रखता हूं और इतना अगले साल की फसल बोने के लिए बीज रखता हूं और इतना खेत की मालगुजारी और सिंचाई का खर्च और ये सब चुकाने के लिए, और चौथा हिस्सा रखता हूं इसलिए कि कोई आए गए शादी ब्याह अथवा अगले साल और काम में आ सकता है, तो कई भाग करना पड़ता है। इसी तरह से हम लोग जितना कर्म कमाई करके जाते हैं इस जीवन में, तन से कमाई करते हैं, मन से कुछ करते हैं, वचन से कुछ करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा कुछ करते हैं, तो जितना हम लोग कुछ करते हैं ये सबका खाता जमा होता जाता है जमराज जी का। पाप का अलग खाता है और पुण्य का अलग खाता है। पाप का खाता होगा तो नरक में जाना पड़ेगा, पुण्य का खाता होगा तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा। भक्ति और ज्ञान का खाता होगा तो उनको जमराज के यहां नहीं जाना पड़ता है, इनके मालिक भगवान है। ये प्रांतीय सरकार के नहीं, ये केंद्रीय सरकार के कर्मचारी माने जाए। केंद्रीय सरकार मने भगवान और प्रांतीय सरकार मने जमराज जी, ब्रह्मा जी और इंद्र। तो प्रांतीय सरकार के अधीन कौन रहते हैं? जो अपने सुख, अपनी सुविधा और अपने स्वार्थ को दृष्टि में रख करके कुछ करते हैं, वो तो पाप पुण्य में पड़े रहेंगे। आज जो भगवान को ध्यान में रख करके जो उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसको वासनात्मक कर्म नहीं कह करके उसको उपासना कहा जाता है। उपासना करने वाले लोग जो हैं ये जमराज के यहाँ नहीं जाते हैं। ज्ञानी और भक्त लोग तो केवल परमात्मा से इनका लेन देन रहता है, और पापी और पुण्यात्मा ये जमराज के यहाँ जाते हैं। अब वहां जाने के बाद खाता खोला जाता है कि देखिए इनने क्या क्या किया था। अब कोई कहे कि जमराज को मालूम कैसे पड़ता है कि इनने क्या क्या किया था? कहा कि जैसे केंद्र में बैठा हुआ राजा खुफिया पुलिस के द्वारा, सीआईडी के द्वारा प्रजा के एक एक सदस्य की एक एक बात को पता लगा करके जानता है, इसी तरह से हम जितने लोग हैं सबके साथ देवलोक के खुफिया जासूस सीआईडी लगे हुए हैं। हमारी पंच कर्मेंद्री है, पंच ज्ञानेंद्री है, 10 हुए ना, और एक मन, 11। ऐसे 11 सीआईडी हम लोगों के साथ में लगे हुए हैं। इन इंद्रियों के ऊपर उनका थाना बना हुआ है। चौपाई पढ़ दूं? इंद्रिय द्वार झरो खाना ना, तह तह सुर बैठे करी थाना। अब किस इंद्री पर किस देवता का थाना है बता दूं?